चलिए बात भगवान शिव की नगरी काशी की कर लेते हैं। इस बार देव दीपावली पर वाराणसी में 12 लाख दिए जलाने की तैयारी है। इस खास उत्सव को खास बनाया जाएगा। वाराणसी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देव दीपावली और दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा काशी वासियों के लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। बिल्कुल, पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी जा रहे हैं। यहां वो यूपी के साथ दूसरे राज्यों को करीब 6,500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए काशी में देव दीपावली की भव्य तस्वीरों की ये तस्वीर। तैयारियों की जगमगा उठेगी पूरी काशी नगरी जब 12 लाख दियों से रोशन होंगे गंगा घाट। वाराणसी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली में इस साल काशी का अद्भुत सौंदर्य दिखने वाला है। 15 नवंबर को होने वाली देव दीपावली में वाराणसी के सभी घाटों को 12 लाख दियों से रोशन करने की योजना बनाई गई है। देव दीपावली में चेतसिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन भी होगा। इस लेजर शो में काशी की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखेगी। गंगा द्वार पर इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो का आयोजन भी किया जाएगा। देव दीपावली को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी काशी पहुंचते हैं। इस बार 84 घाटों में सबसे प्रसिद्ध 80 घाट पर देव दीपावली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, देव दीपावली की प्रतीक्षा पूरे बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश को होती है। अन्य प्रदेशों के भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट देव दीपावली पर बनारस आते हैं। इस बार की देव दीपावली 15 नवंबर की है। 12, 13, 14 नवंबर गंगा महोत्सव और 15 नवंबर देव दीपावली मनाई जाएगी। इसमें सारी तैयारियां चल रही हैं। इसमें बहुत सारे काम के टेंडर हो चुके हैं और इसमें जो दो बड़े काम जैसे इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो, इन दोनों कार्यों के टेंडर हमारे हेड ऑफिस से लखनऊ से हुए और जिसको फाइनल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो घाट हैं उस पर दीपक जलाने का कार्य, इसके अतिरिक्त टेंटेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ब्रांडिंग, इन सब कार्यों के टेंडर किए जा चुके हैं और सब पे अंतिम रूप दिया जा रहा है। काशी में एक तरफ घाटों पर देव दीपावली की तैयारी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं। यहां वो यूपी के साथ दूसरे राज्यों को करीब 6,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। ब्रजेश कुमार के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तस्वीरें जो हैं वो बेहद खूबसूरत हैं और एक बार वो तस्वीरें हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं क्योंकि जो एक बार इन तस्वीरों को देखता है तो वो बार बार तस्वीरों को देखता है किस तरीके से उत्सव और पर्व की धूम है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सुपर मून की ये तस्वीरें हैं। किस किसने देखा कल सुपर मून? मैंने देखा था, मैं जब ऑफिस से घर जा रही थी पूरे रास्ते मैंने सुपर मून देखा। बहुत ही खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। नवजोत, आपने देखा? ये जगन्नाथ धाम की तस्वीरें आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने देखा, हाँ बिल्कुल देखा, लेकिन उससे पहले जगन्नाथ धाम की तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत है। पूरी नगरी किस तरीके से दिख रही है, भगवान जगन्नाथ की नगरी पूरी देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। खुशी, आपने देखा था कल सुपर मून? मैंने देखा था और मैं वैसे भी हर दिन कोशिश करती हूँ मून देखूं, मतलब इतना खूबसूरत लगता है चांद तो बहुत ज्यादा। और आप देखिए मंदिर के साथ किस तरह से ना वो एक पूरा दृश्य, समंदर की लहरें, समंदर की लहरें, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही छोटा। ये देखिए तस्वीर, 30% ज्यादा चमकीला आम दिनों के मुकाबले, दिनों के मुकाबले ब्राइटेस्ट नाइट, और इसीलिए तो सुपर मून इसको कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। वैसे अगर हम ज्योतिष नजरिए से बात करें तो परसों शाम में 5 बजे से पूर्णिमा की शुरुआत हो गई थी और परसों रात और फिर कल रात का दोनों का मून बेहद खूबसूरत था। चलिए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर बालाजी के शरद पूर्णिमा मेले की रौनक दिखाते हैं। शरद पूर्णिमा का देखिए खास मौके पर जहां एक तरफ देश दुनिया में सुपर मून का दीदार हुआ तो वहीं राजस्थान के सालासर बालाजी के धाम पर देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश के बड़े तीर्थों में शुमार सिद्धपीठ सालासर धाम में बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी। एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा लोग यहां दर्शन करने पहुंचे।
राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर पीठ में हमारी मौजूदगी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से बालाजी महाराज के आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा है। आस्था देखिए कि किस तरीके से कतारबंद है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा बालाजी महाराज के जो हरियाणा पंजाब से जो श्रद्धालु है वो आते हैं और भक्तों जो यहाँ पर भक्त है वो ढोग लगाते हैं, खीर का और मतीरे का जो भोग है वो लगता है। तो देख सकते हैं किस तरीके ना यहाँ पर बालाजी महाराज के जयकारे लग रहे हैं। हरियाणा पंजाब सहित पूरे देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी लाइन है, वो कतार बंद है और यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा के प्रति उत्साह है। भक्तों से भी जानेंगे किस तरीके से। मैम कहाँ से आए हैं? सिवान से बिहार, बिहार से लेकर हरियाणा पंजाब तक यहाँ पर जो लोग हैं देश के कोने कोने से आते हैं। हम यहाँ पे मतलब बेसिकली सवामनी लगाने के लिए आए हैं और हमारी बहुत आस्था है और बालाजी महाराज ने हमें बहुत परिचय दिए हैं, बहुत हमारा साथ दिया है। सालों से हम मानते आ रहे हैं, जो मनोकामना बाबा से मांगी है सब पूरी हुई है। अपने लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं, कहाँ कहाँ से लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है? यहाँ बालाजी महाराज का ये सबसे बड़ा मेला है, शरद पूर्णिमा का लक्की मेला होता है जिसमें काफी श्रद्धालु आते हैं। हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से आते हैं और उनकी आस्था है। इस मेले में सबसे बड़ा मेला डाक ध्वजा का होता है जिसमें हरियाणा पंजाब से संघ आते हैं और अपनी बालाजी महाराज के प्रति आस्था रख के डाक ध्वजा चढ़ा के अपनी मनोकामना बालाजी महाराज को सुनाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए हमने एक उत्सव मनाया है लेकिन इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, उत्सवों की तो झड़ी लगी रहती है। अब जीएनटी मतलब फेस्टिवल त्योहार, आप लोग जैसे तैयारियां कर रहे हैं अपने करवा चौथ उत्सव की, वो भी एक फेस्टिवल है। फिर धनतेरस होगा, धनतेरस, फिर दिवाली है, छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली, भाई दूज है, भाई दूज है, उसके अभी भी गोवर्धन पूजा भी है, गोवर्धन पूजा। तो ये फेस्टिवल की पूरी झड़ी है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर उत्सव की तैयारी हो रही है। और वैसे मजा जो होता है ना फेस्टिवल वाले दिन से ज्यादा उससे पहले की जो तैयारियां होती है ना उसमें ज्यादा हो ही जाता। जो आप बाजारों में जाते हैं जैसे सामान खरीदते हैं वो उसका अलग ही मजा। आपने कोई शॉपिंग शुरू की किसी ने अभी तक दिवाली की? या अरे आप लोगों ने तो करवा चौथ की शुरू कर दी होगी ना? करवा चौथ को थोड़ा स्पेशल इसलिए बनाया कि मैं अपनी माँ की साड़ी पहनूंगी। मुझे ना वो टच चाहिए था। हमें इंतजार रहेगा आपकी फोटो का। अरे वाह, तस्वीर का, चलिए मैं दिखाऊंगी। चलिए प्रकाश पर्व, एक तरफ हम बात कर रहे थे करवा चौथ की जो कि 20 को है लेकिन 19 तारीख को प्रकाश पर्व है और अमृतसर में किस तरीके से तैयारी है वो भी आपको दिखाते हैं। वैसे अमृतसर को श्री गुरु रामदास की नगरी कहा जाता है और अमृतसर जाहिर सी बात है कि वहां पर प्रकाश पर्व की तैयारियां चल रही हैं। कल यानी 19 तारीख को सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व वहां पर मनाया जाएगा और उसी सिलसिले में किस तरीके से स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 20 टन फूल विदेशों से मंगाए गए हैं और इस बार गुरु रामदास जी का 450वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, लिहाजा श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। इस अवसर पर अमृतसर में नगर कीर्तन भी निकाला जा रहा है, देखिए भव्य तस्वीरें। देखिए भारत विविधताओं का देश है, इस देश के हर कोने में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं जिनकी अपनी खास संस्कृति है, परंपरा है। इसके बावजूद सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं, एकता की अनूठी भावना पेश करते हैं। इसकी खास झलक देखने को मिली मणिपुर में, वहां एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें इलाके की तमाम जनजातियों के लोग शामिल होते हैं। आप भी देखिए एकजुटता के इस अनोखे उत्सव की तस्वीरें। बैंड
बैंड बाजी के साथ निकला ये जुलूस पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की अनूठी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की झलक पेश कर रहा है। इसके साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे नाचते झूमते थिरकते ये लोग आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें मणिपुर में मनाए जा रहे मेरा हो चोंगबा त्योहार से जुड़े उत्सव की हैं। खास बात ये कि मणिपुर के मैतेई और नगा जनजातियों के लोग मिलजुल कर ये त्योहार मनाते हैं। इसके माध्यम से ये लोग आपसी भाईचारा और सौहार्द की अनोखी तस्वीर पेश करते हैं। पहाड़ का और बेली का इसका भाई बहन इसे माने कि वो मानता है। वो हम पहाड़ में रहते वालों तो बड़ा भाई ऐसा है और नीचे माने बेली का वो सता भाई ऐसा वो चानकरी होने के लिए ये मेरा हो चोंगबा ये फेस्टिवल वो किया है। मेरा हो चोंगबा त्योहार मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इसका आयोजन मुख्य तौर से मणिपुर के रॉयल पैलेस सना कोनंग में होता है। इस अवसर पर यहाँ कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जाता है और इलाके में खुशहाली की दुआएं मांगी जाती हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी पहाड़ी जनजातियों के लोग इम्फाल घाटी में आते हैं और रॉयल पैलेस में इकट्ठा होकर आपस में मिलजुल कर सांस्कृतिक नृत्य संगीत और लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसका समापन शानदार दावत के साथ होता है। इसका मकसद इलाके के सभी जातीय समूहों की एकता को बढ़ावा देना है। मेरा ये मैसेज मैं ऐसा देना चाहता हूँ, ये हमारा आगे ले जाने के लिए और शांति होने के लिए ऐसा हम ईश्वर को हम प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा हो चोंगबा एक ऐसा त्योहार है जिसे राज्य के पहाड़ी और घाटी दोनों ही क्षेत्रों के मूल निवासी समुदाय एक साथ मिलकर मनाते हैं। त्योहार का आयोजन तो मणिपुर में लंबे अरसे से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच एकता की भावना को मजबूत करने के लिहाज से इस उत्सव की अहमियत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपने देखा मणिपुर में किस तरीके से मनाया जा रहा उत्सव, तो वो जश्न की इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं वहां बिहू की रौनक। और असम के गुवाहाटी में काटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया है। ये त्योहार दरअसल खेती किसानी से जुड़ा है, इसलिए किसान इस उत्सव में फसलों के काटने पर नहीं बल्कि खास तौर पर खेतों में लगी फसलों की बेहतरी की कामना करते हुए दिए जलाते हैं। ये असम का बेहद खास त्योहार है, उसकी मिट्टी और आस्था परंपरा से जुड़ा है। इस पूर्वोत्तर राज्य की समृद्ध संस्कृति की मिसाल है काटी बिहू, जिसे लोग पारंपरिक तरीके से मनाते आए हैं। इस त्योहार के जरिए यहाँ के लोग अपने अनुष्ठान और इन परंपराओं को बड़े ही आस्था के साथ निभाते हैं। भले ही दीपावली का त्योहार अभी कुछ दिन बाद मनाया जाएगा, मगर बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए असम के लोग इस त्योहार पर छोटे मिट्टी के दिए जलाते हैं, जिन्हें साकी के रूप में जाना गया है। Celebrating Kati Bihu with utmost love, and I at last also I wish all the people a very happy Kati Bihu. On the purpose of welcome to the goddess Lakshmi for the upliftment of our crops and paddy, this is our very ancient tradition. अंधेरे में रोशनी बिखेरते इन दियों को जलाकर आस्थावान परिवार की भलाई और फसलों की सुरक्षा की कामना करते हैं। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग वापस भेजने के लिए बांस के खंभे पे लटकाकर पारंपरिक दिया आकाश बंती भी जलाते हैं, ताकि उनके पूर्वज उन पर समृद्धि का आशीर्वाद बरसाएं। वैसे असम में तीन प्रमुख बिहू त्योहार मनाए जाने की परंपरा है, जिसमें बोहाग बिहू यानी रोंगाली बिहू, माघ बिहू यानी भोगाली बिहू और काटी बिहू है, जिसे कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना गया है। यानी काटी बिहू का त्योहार असम में खेती किसानी की अनिश्चितता और चुनौतियों के बीच बेहतरी का रास्ता दर्शाता रहा है। ये त्योहार इंसान और प्रकृति के बीच आपसी निर्भरता की याद दिलाता है, जो खेती बाड़ी के टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति सम्मान की जरूरत पर जोर देता है।
यही वजह है कि काटी बिहू को यहाँ के लोग एक सांस्कृतिक अनुष्ठान के रूप में आज भी जीवित रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे। नवरात्रि का त्यौहार भले ही बीत गया है लेकिन त्योहारों का मौसम अभी भी चल रहा है, इसलिए देश के कई इलाकों में पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों की धूम है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में अनूठे गरबे की रौनक दिखाई दी और इस गरबे की खास बात यह है कि इसमें दिव्यांग बच्चियों ने परफॉर्म करके ये साबित कर दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए करवा चौथ और दिवाली पर बाजारों की रौनक। तो जैसे ये सेट सज चुके हैं ना वैसे ही बाजार भी सज चुके हैं भाई, इतनी भीड़ है। आप में से कोई गया है क्या शॉपिंग करने? यस, मैंने सुना है कि सदर बाजार में बड़ी भीड़ होती है। सदर में तो पहले से ही क्योंकि दिवाली शुरू होती है उससे महीना डेढ़ महीना पहले ही लोग शॉपिंग करने लगे हुई है। मैं वहां गई और लाजपत में तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि नॉर्मली मैं लाजपत जाने का नहीं है, उससे पहले भी जाने का नहीं है, वहां पे बहुत पहले से ही बहुत क्राउड रहता है। हाँ नहीं, लेकिन ये है ना कि शॉपिंग के लिए भी यही दो मार्केट्स हैं। बस शॉपिंग देखिए, मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग और मेरा शॉपिंग का प्लान है तो मैं यहाँ। कौन सी मार्केट जा रही हैं? मैं कमला नगर है मेरे घर के पास। ओ, तो कमला नगर में भी बहुत भीड़ होती है, मतलब दिल्ली का वैसे कोई बाजार ऐसा है नहीं है जहाँ पर। दिल्ली मेन है ना, बट सब। अरे आप गाजियाबाद वो एरिया देखिए जहाँ पर आप रहती हैं, वहाँ कितनी। लेकिन मैं तब भी दिल्ली जाती हूँ, रौनक तो यही है ना, चहलकदमी रौनक तो यही। और आपको ना इस टाइम अगर आप मार्केट जाएंगे ना, सच में आप सही कह रही है कि भीड़ है, थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन जो आपको लेटेस्ट कलेक्शन मिलती है ना त्योहार वाली फेस्टिवल वाली, और वो फीलिंग आती है, जो खुशबू आती है ना वो दिवाली वाली, वो बहुत अच्छी लगती है, वो फीलिंग सबसे अलग है। तो बाजारों की अगर हम बात करें, बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखकर सबसे ज्यादा खुश तो कारोबारी ही है। तो देश की राजधानी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में से एक है सदर बाजार, जहां पे इन दिनों जबरदस्त रौनक है। तो वहां पर गई हमारी संवाददाता मनीषा, जरा देखिए किस तरह से उन्होंने सब कुछ दिखाया। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली का त्योहार जैसे ही नजदीक आया, देश के बाजारों की रौनक बढ़ गई। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सदर बाजार की हैं, जहां इन दिनों त्योहारों की इसी रौनक को देखा जा सकता है। कोई घर की सजावट का सामान खरीद रहा है और कोई पूजा पाठ का सामान, कोई बर्तन खरीद रहा है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों को देने के लिए गिफ्ट आइटम खरीद रहा है। देश भर में इस वक्त त्योहार का सीजन है और जब त्योहार की बात हो तो सदर बाजार जो है वो अपने आप में सबसे ज्यादा आगे रहता है। अलग ही एक रौनक है इस मार्केट की जो नजर आती है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दिवाली की तैयारियां वो चल रही है और क्या कुछ खास जो है इस बार दिवाली के लिए आ रखा है। लोग बाग जो है इस वक्त बाहर आ चुके हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए और आप देख सकते हैं तमाम तरीके की वैरायटी जो है वो अब हर एक दुकान पे जो है मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके के वंदन वार जो है वो आपको नजर आएंगे, अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग तरीके के, चाहे फिर वो दरवाजे पे लगाने के लिए लटकन हो या फिर मंदिर में लगाने के लिए जो शुभ लाभ के स्टिकर्स होते हैं वो। तो तमाम जो वैरायटी है आपको नजर आएगी किस तरीके से जो वंदन है, शुभ लाभ के स्टिकर्स जो होते हैं वो लगाने के तमाम तरीके की जो वैरायटी है अलग अलग तरीके के नजर आएंगे, कम रेट वाले भी और ज्यादा रेट वाले भी, हर तरीके के लोगों के लिए जो है, हर किसी के बजट के हिसाब से जो है सामान यहाँ पे भारी मात्रा में जो है इस वक्त मौजूद है। दिल्ली का सदर बाजार थोक और फुटकर दोनों तरह के कारोबारों के लिए काफी मुफीद जगह है। यहाँ राजधानी दिल्ली ही नहीं आसपास के राज्यों से भी लोग त्योहारों के मौके पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। इस साल भी हर गुजरते दिन के साथ सदर बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। हर कोई इस वक्त समय निकालकर यहाँ पे आया हुआ है, हर कोई जो है शॉपिंग में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे आपको महिलाएं नजर आएगी क्योंकि करवा चौथ भी एकदम बेहद नजदीक आ गया है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी किस तरीके की भीड़ है इस वक्त मार्केट में। आप देख सकते हैं कि अलग ही जो रौनक है करवा चौथ की मार्केट की वो नजर आ रही है। भीड़ ऐसी कि संभले ना बने। आप देख सकते हैं लोग इस वक्त पूरी तैयारी में है। करवा चौथ में थाले जो है सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो इस तरीके की जो थाल होती है पूजा के लिए सबसे ज्यादा जो है थालों के
की बिक्री होती है। आप ये थाल खरीद रहे हैं घर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि महिलाओं का काम होता है बट आप लगता है हाथ बटा रहे हैं। दुकान के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए। दुकान के लिए। इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए सदर बाजार के कारोबारियों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। जिस तरह से इन दिनों बाजारों में ग्राहकों की भीड़ पहुंच रही है उसे देखते हुए यहां के कारोबारी काफी खुश हैं। हमेशा जब दिवाली की बात होती है तो हर कोई जो है सफाई में लग जाता है, बेहद खूबसूरत तरीके से जो है अपना घर सजाना चाहता है, तो हर कोई इस तरीके की चीजें जो है अपने घर में लेकर आता है ताकि उनका घर जो है बेहद सुंदर लगे दिवाली के समय पर। तो आप देख सकते हैं कितनी तरीके की वैरायटी है। बात दियो की ना हो तो वो एकदम अधूरी है। दिवाली का समय है तो दिए हर घर में जलते हैं। हर कोई घी के दिए तो जलाता है लेकिन इस तरीके के जो दिए होते हैं हर कोई जलाना चाहता है, तो यहाँ पर उसकी भी वैरायटी जो है काफी ज्यादा इस वक्त है। हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर्स भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम क्या कुछ खरीदने आए? दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली सिर पर है। दिवाली डेकोर डेफिनेटली, पूरा घर सजाने के लिए और बाकी सब सामान। ये दिवाली से रिलेटेड और करवा चौथ से रिलेटेड हर आइटम आपको इस टाइम सदर बाजार में मिल जाएगी। अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स, लड्डू से बनी हुई कैंडल आप दिखाएं तो लड्डू के डिजाइन की कैंडल, बहुत सारी चीजें हैं डेकोर के लिए। बहुत सारा मतलब पूरा सदर बाजार भरा पड़ा है। वैसे तो यहाँ पूरे साल ही भीड़ देखने को मिलती है लेकिन जब मौका दशहरा और दिवाली का हो तो सदर बाजार की रौनक अलग ही देखने को मिलती है। हर कोई जो है इस वक्त अपनी तैयारी में, चाहे वो खुद की ज्वेलरी कपड़े या फिर करवा चौथ के लिए जो थाल है उसकी शॉपिंग के लिए हर कोई अपने घरों से बाहर निकल गया है। बेहद ही कम दिन रह गए, 20 अक्टूबर को करवा चौथ जो है हर कोई सुहागने जो है वो मनाएंगी, तो सब कुछ उसी की तैयारी में जुटे हुए। कैमरा पर्सन इमानुएल जोश के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी अदालत से सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं और कितने मामलों की सुनवाई लगातार की जा रही है इस बात की जानकारी आम आदमी को मिल सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब एक बड़ा डिजिटल बोर्ड लगाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का पूरा ब्यौरा दिखाई पड़ेगा और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस क्लॉक का नाम दिया गया है जिसके जरिए आसानी से ये जाना जा सकता है कि किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में कितने केस दाखिल हुए हैं, कितने केस की सुनवाई उस दिन हुई है और कितने केस अभी भी पेंडिंग है। इसमें एक साल से लेकर 30 साल तक लंबित मामलों की संख्या इस बोर्ड पर मिल जाएगी। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय जितनी देरी से मिलता है वो न्याय ना मिलने के समान होता है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हमारे देश की अदालतों में बहुत सारे मामले कई कई सालों से लंबित हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में कितने केस लंबित हैं, कितने दिनों से लंबित हैं या कितने महीने, कितने सालों से लंबित हैं, इसकी एक पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे इस डिजिटल बोर्ड पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ जाएगी। इस बोर्ड को लगाया गया है ताकि लोगों में एक पारदर्शिता रहे, लोगों को ये पता हो कि कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है और कोर्ट में कितने केस कितने कितने सालों से लंबित हैं। इस बोर्ड पर पूरा डेटा आता है। देखिए जैसे कि आज लिखा हुआ कि आज 135 केस दाखिल हुए, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आती है। अभी जो आप देख पा रहे हैं कि कौन से कितने ऐसे केसेस हैं जो कई कई सालों से लंबित हैं, इसमें एक साल से लेकर 30 साल तक ऐसे केसों की डिटेल है जो कि लंबित है, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 0 से 1 यानी कि एक साल तक 27,711 केस पेंडिंग है और आज उनमें से 395 केसेस की सुनवाई हुई। ऐसे आप देखिए 21 से 30 साल तक जो केस लंबित हैं उनकी भी एक सूची, इनका एक नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आज के दिन यानी कि प्रेजेंट डे में सुप्रीम कोर्ट में कितने केस दाखिल हुए, उनमें से कितने की सुनवाई हुई, वो सारा डेटा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है 21 से 30 साल के बीच 458 मामले ऐसे हैं जिनको कोर्ट में आए हुए 21 से 30 साल हो चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे मामले थे जिनकी सुनवाई आज भी हुई है। देखिए 5 ऐसे केसेस हैं जो कि आज भी लिस्टेड थे सुप्रीम कोर्ट में और 458 ऐसे मामले हैं जिनको 21 से 30 साल से का जो समय है वो इस कोर्ट में आए हुए हो चुका है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आज कुल कितने नए मामले आए, पिछले दिन यानी कि कल कितने मामले आए थे, पिछले सप्ताह कितने मामले आए थे, पिछले महीने कितने मामले आए या फिर पिछले साल कितने मामले आए या फिर इस साल अब तक कितने मामले कोर्ट में आ चुके हैं, उनमें से कितने की सुनवाई लगातार हो रही है। आज 135 मामले आए जिनमें से 45 केसेस का निपटारा किया गया।
देखिए कहते हैं कि मेहनत और विश्वास किसी मकसद में कामयाब होने के लिए एक डोर की तरह है, जिनकी मदद के बगैर मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। और इसीलिए खुद के अंदर आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि यही चीज मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है। भाई ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, ये आत्मविश्वास ही है जो आपको भीड़ से अलग दिखा सकता है। क्या बात है भाई, बस आप ये समझिए कि आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, मंजिल की ओर बढ़ते रहिए और सोमवार का इंतजार करते रहिए, क्योंकि उसी दिन होनी है हमारी और आपकी मुलाकात शाम 5 बजे साइबर चर्चा में।